डॉट बॉल, चार बॉल सात रन, पांचवी बॉल स्ट्राइक पर अहमद, चार बॉल सात रन, व्हाइट बॉल, चार बॉल आठ रन, भाई बॉल के टाइम मत बोलो प्लीज, बाहर से कोई भी बॉल के टाइम मत बोलो, काफी अच्छा ट्राई एजाज भाई का, पांच बॉल नौ रन, एक ओवर की समाप्ति पे नौ रन। अगर अहमद हैट्रिक छक्का मारते हैं तो फुरकान की तरफ से 3,000 रुपया, हैट्रिक छक्के पे 3,000 रुपया फुरकान की तरफ से। देखते हैं मैच में फुरकान सॉरी अहमद 3,000 कमा पाते या नहीं, जीत पाते हैं या नहीं। भाई बॉल के टाइम मत बोलो प्लीज, भाई मैच चालू करो प्लीज, नो बॉल, एक बॉल दस रन, हैट्रिक छक्के पे अहमद के फुरकान की तरफ से 3,000 रुपए की इनामी राशि है, कैच आउट, काफी अच्छी बॉलिंग जादू की, स्लोअर वन, एक रन, काफी अच्छी कैच अमान की, इसी तरह शानू का भी सफर यहीं खत्म, चार बॉल 11 रन दो विकेट के नुकसान पर टीम शिजान वॉरियर्स। अगर यह मैच टीम जकी चैलेंजर्स जीत जाती है तो पोजीशन पे नंबर वन पाएगी, जो कि उनको डबल चांस दिया जाएगा सेमीफाइनल में। चार बॉल 11 रन, स्ट्राइक पे रियाब, बॉलिंग मार्क पे जादू, काफी अच्छी बॉलिंग जादू की, पांच बॉल में सिर्फ दो रन खर्च करके दो विकेट ले लिए जादू ने। फिर से स्लोअर वन, काफी अच्छी बॉलिंग जादू की, ओवर की समाप्ति 12 रन पे दो विकेट, सिर्फ 3 रन खर्च किए जादू ने। बॉलिंग पे अरबास, नो बॉल, पहला ही बॉल नो बॉल, दो ओवर 14 रन,
काफी अच्छी बैटिंग शोभा की, पावरफुल हिट। अगर शोभा अगर हैट्रिक छक्का मारते तो शाकिब दाते भाई की तरफ से 500 रुपए की इनामी राशि। एक बॉल 20 रन, फुल टॉस 20, दो बॉल 21 रन। नो बॉल, एंगल का नो बॉल दिया गया है। दो बॉल 28 रन, नो बॉल है। दो बॉल 28 रन, नो बॉल हाथ का दिया गया है, एंगल अलाउड नहीं है। व्हाइट बॉल, दो ओवर दो बॉल 29 रन। अरबाज काफी दिशा से भटक चुके हैं। एक और छह, तीन बॉल 35 रन। रैफ काफी जोश में, सीजन वॉरियर्स को यही बैटिंग दो मैच पहले दिखाते तो ज्यादा अच्छा होता अपनी टीम के लिए। तीन बॉल 35 रन, बॉलिंग की टाइम मत बात बोलो शानू, शानू बॉलिंग की टाइम मत प्लीज। व्हाइट बॉल, शाहरुख नो बॉल दिया गया अंपायर की तरफ से। अंपायर डिसीजन जो भी रहेगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा सबके लिए। तीन बॉल 36 रन, तीन गेंदों में 24 रन खर्च कर चुके हैं अरबाज। चार बॉल 37 रन, पांच बॉल 38 रन, काफी महंगे अरबाज, पांच गेंदों में 26 रन खर्च कर चुके हैं। भाई मैच चालू है ना भाई प्लीज। अमित सर आपको नहीं पूछे, ओवर की समाप्ति 39 रन, 27 रन का ओवर था ये वाला अरबाज का। काफी अच्छी बॉलिंग बर्फी की, ऑफ साइड पे डाले थे एकदम। एक बॉल 40 रन, बाहर से कोई कमेंट नहीं करेगा मैच के बीच में। जादू का पावरफुल थ्रो लेकिन गलत साबित हो सकता था। दो बॉल 41, बहुत ही अच्छा कैच शाहरुख का। बहुत ही अच्छा शॉट, क्लास शॉट शानू भाई की बैट से 47 रन।
नो बॉल, चार बॉल 48 रन। बहुत ही अच्छा शॉट शानू भाई का। शेजान वॉरियर्स काफी अच्छी इस मैच में खेलते हुए। भाई 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 शेजान वॉरियर्स भाई बबुआ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बबुआ, व्हाइट बॉल, डेड बॉल, डेड बॉल भाई, प्लीज ज्यादा हो रहा है भाई। अरे बहुत ही अच्छा कैच अरबाज का। चार बॉल, पचपन रन का टारगेट है टीम सखी चैलेंजर्स को। पहले ही बॉल पे बोल्ड, टीम शेजान वॉरियर्स काफी जोश में, लेकिन काफी लेट आता हुआ ये जोश। फिफ्टी फाइव रन का टारगेट है, पहली बॉल पे बोल्ड, काफी अच्छी बॉलिंग अहमद की। सलीम, सलीम अगर अब किया भाई पेनल्टी दे देना जावेद भाई अपने हिसाब से। ओह हाथ पे टच होके गया था, काफी अच्छा ट्राय शानू का। तीन बॉल सात रन, ओके ओके, तीन बॉल छह रन। काफी अच्छी बॉलिंग, सागर समन समझने में नाकामयाब। भाई मैच 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 प्लीज, चार बॉल छह रन। अहमद अहमद टाइम पास मत कर भाई प्लीज, और चार मैच है उसके बाद। ओवर एक्टिंग है 20 कट शानू का बोलना है। सीजन वॉरियर्स काफी अच्छी फील्डिंग बैटिंग करते हुए, लेकिन बहुत लेट हो चुके हैं। चलो पांच बॉल सात रन, स्ट्राइक पर बास, आखिरी ओवर इस टूर्नामेंट की अहमद की आखिरी बॉल।
दिल्ली। पहली बॉल पे निमू चेक, स्ट्राइक पे सागर जो कि एक छक्का मार चुके। एक बॉल सात रन। अगर पोजीशन का मैच होगा तो दो ओवर का होगा। काफी अच्छी बॉलिंग शानू की, दो बॉल आठ रन, एक विकेट के नुकसान पर, स्ट्राइक पर अरबाज। एक और विकेट। काफी अच्छी कैच बबुआ की। टीम सीजन इस सोच में है क्या, कुछ नहीं तो बेस्ट कैच की ट्रॉफी तो कम से कम लेके ही जाएंगे। और यहां पर इस कैच को जरूर टाइगर कप 2022 के पन्ने में ऐड किया जाएगा, बेस्ट कैच का अवार्ड यहां पर रखा गया है। जरूर इस कैच के बारे में आखिर में जरूर सोचा जाएगा। अनीस, अनीस बाहर से नहीं देना भाई, अंपायर दो दो खड़े हैं भाई। फैयाज भाई क्या है, नो बॉल। अनीस पहले अंपायर को कॉल ले दो प्लीज। चार बॉल 11 रन। व्हाइट बॉल, नो बॉल भी थी। चार बॉल 12 रन, 55 रन का टारगेट है। 14 बॉल में 43 की जरूरत। शादाब छोटू भी शानू की भी इस टूर्नामेंट की आखिरी बॉल। नो बॉल है, नहीं नहीं ओके। पांच बॉल 12, शानू के भी कुछ ना कुछ माइनस हो गया इस ओवर एटिंग के लिए, जो कि उसने अहमद के लिए बोला था। पहली बॉल पे 6 रन। अब तक के दो छक्के लगा चुके हैं यहां पर सागर, अभी भी क्रीज पे डटे हुए हैं। फिर से एक करारा स्ट्रोक और बहुत ही अच्छा एफर्ट और अंपायर का इशारा आता हुआ आउट।
जोर से मारने की कोशिश की थी और यहाँ पर 14 रन बना के पवेलियन की राह लौटते हुए यहाँ पर 19 रन बनाकर, माफ कीजिए हमारे साथी इसको बता रहे, 19 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए अब सागर की जगह लेने आ रहे हैं अनीस। 10 गेंदों में जीत के लिए 36 रनों की जरूरत है। और यहां पर फिर से टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे हुई गेंद, ये थोड़े से निराश होकर पवेलियन की राह लौटते हुए यहां पर अनीस। अब अनीस की जगह लेने आए हैं एजाज भाई। अब 9 गेंदों में जीत के लिए 35 रनों की जरूरत। और यहां पर एक और विकेट, अब यहां पर हैट्रिक पे है। और यहां पर अगर शोभ भाई ये बॉल पे विकेट लेते हैं तो शाकिर भाई की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि। वॉट अ बॉल जब से इस गेंदबाज को छुपा के रखा था शेजन वॉरियर की टीम ने, आप कहीं ना कहीं अफसोस जरूर करेंगे। सात बॉल 33 रनों की जरूरत। और यहां पर फ्री हिट बर्फी और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर बबुआ की। अब आने वाली 6 गेंदों में दोस्तों जीत के लिए 32 रनों की जरूरत। भाई फटाफट मैच करें भाई प्लीज, दोनों तीनों अंपायर से बुलाया जाएगा, मैच फट जल्दी से जल्दी कराना है, टाइम की किल्लत है भाई, थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके बाद और 5 मैचेस कराने हैं भाई। भाई सभी ओनर से गुजारिश है भाई जाना नहीं है, इसके बाद सत्कार समारोह रविवार करेंगे। काई कबीला के कैप्टन से गुजारिश है, इसके बाद रेडी पोजीशन में रहने का है। दो दो ओवरों का मैच खेला जाएगा। मंसूर भाई